बहुत तालियां बजाई, बहुत भजन सुनाया। इस नृत्य नाटिका को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, उसके पश्चात हम फूलों से होली खेलेंगे और फूलों की होली के बाद हम आरती की तरफ बढ़ेंगे। आइए एक जयकार दोनों हाथ खड़े करके बोलिए, रानी सती दाती की। एक बात और बोल दूं मैं कि कल आपको बहुतों को मैंने बारिश में भीजते देखा और मैं भी खुद भी भेजा। आप लोगों को तो असर नहीं पड़ा पर मुझे थोड़ा असर पड़ा, क्योंकि आप तो दादी की सेवा में लगे थे, हम खाली बैठे थे, तो इसलिए आज थोड़ा गला बैठ गया है। एक बार एक जयकार आपकी सुनना चाहूं, चाहे कि मेरा भी गला थोड़ा खुल जाए। एक बार दोनों हाथ खड़े करके पीछे से लेके आगे तक, जिनके हाथों में दर्द ना हो उनमें लोच ना हो, जिनको दर्द उनको उठाने की दरकार भी नहीं, पूरे हाथ खड़े करके एकदम सीधे ऊपर बोले, रानी सती दादी की, बोल मोटी सेठानी की। एक बात बोलूं आपसे, आप इतनी संख्या में यहां उपस्थित हुए हो, एक भजन मैंने अभी अभी लिखा, कभी कहीं नहीं गाया। अगर आप आज्ञा दो तो उस नृत्य नाटिका से पहले उस भजन को रखो, अगर आपने उसके पास किया तो इसको कभी आगे गाऊंगा, नहीं तो नहीं गाऊंगा। इसके भाव ये है, इस भजन के भाव ये हैं कि हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए हैं पैदा होते ही कि बेटा ये जगत जननी हमारी कुल देवी है, जिंदगी में हम रहे ना रहे जब तक जिंदगी रहेगी ये तुम्हारे साथ रहेगी। तो आज अगर किसी के माता पिता नहीं है फिर भी उसे ये टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कौन है, जिनके साथ। एक बार हाथ खड़े करके बोलना, बोल रानी सती दादी की, मोटी सेठानी की। एक बार बताओ, मैं जोर से बोलूं तभी आप बोलोगे कि बिना जोर से बोले बोल सकते हो, बोल रानी सती दादी की, मोटी सेठानी की। अब देखिए भाव रख रहा हूं कि दादी हमें कैसे संभालती है। ए मेजर, पल पल हरी चिंता करता, मायण बाबुल सी ममता, मां पे लुटावे दादी रात दिन, या दादी ममता लुटावे मां पे रात दिन। समझ आया मैंने क्या बोला, आप मेरे साथ बोलना क्योंकि मैं भी पहली बार गा रहा हूं। पल पल हरी चिंता करता, मायण बाबुल सी ममता, पल पल मायण बाबुल सी वहां पे लुटावे दादी रात, ये दादी ममता लुटावे वहां पे रात। जब जिंदगी में तकलीफ आती है तब क्या करती है दादी, उंगली पकड़ के दादी रस को दिखावे, ओ रस को दिखावे, उंगली रस को दिखावे, ओ रस से कांटा चुन चुन फुलड़ा बिछावे, ओ संकट जो आते आवे दादी को ध्यान उठावे, संकट जो दादी हाथ फिरावे सिर पे रात, ये दादी हाथ फिरावे सिर पे। अब ये बताओ जो मैंने लिखा सच है कि झूठ, जितना सच हो उतने हाथ ऊंचे हो, पूरे हाथ। और जरा एक बार मैं जैसे करूं वैसे,
सरस्वती जारी जारी। देखिए मैंने पहले ही कहा ये भजन मुझे पहली बार गा रहा हूं, तो पन्ना खुलना पड़ता है, एक बार फिर बोलना। आख्या से भोजन जमाने दादी की भक्ति हो, दादी की सेवा हो, दादी की पूजा हो, तो भगत कहता है मां जन्म जन्म तक ममता हरि के पावा हो, हरि है पावा, जन्म हरि है पावा हो, थारा ही आगे गाऊं इसको, छह महीने बाद रिकॉर्ड करके रिलीज करूं इसको, तो जिन्हें जिन्हें याद अच्छी लगी हो पूरे हाथ करके आशीर्वाद देना इस दरबार में, पूरे हाथ खड़े करके और तालियों के साथ बोलना। पल पल हरि चिंतन करता माए सती राधा की जय, मोटी सी ठंड की जय,
जोर से बोलो, धीरे चले जाओ। बोलिए रानी सती दादी की। इससे जोर तो मैं बोल नहीं सकता, गला बैठा है, किंतु आप लोगों ने गवा लिया, ये बहुत बड़ी बात। अब देखिए मेरी इच्छा है नृत्य नाटिका शुरू करने से पहले ताली बजाओ। ये कलाकार कल से कंठ सुधारक, कंठ सुधारक है क्या? अब अंकल बोल रहे हैं तो नहीं, अभी खुल गो कांति कटिल कुशल काटिल, अभी अभी खुल चुका थोड़ा सो। बोलिए रानी सती दादी की। देखिए मैं हमेशा शुरू करता हूं पांच बार जैसे, कितनी बार जैसे? अपने अपने पड़ोसियों के हाथ खड़े करो, अपने तो आप उठाई लोगे, जो नहीं करे उनकी मदद करो, क्योंकि आप कल से लगे हुए पूरे हाथ सीधे, पांच बार ताली बजाकर बोले रानी सती दादी की। अब ये बताओ नृत्य नाटिका शुरू करूं कि एक भजन और सुनाऊं? भजन क्या करूं? अच्छा एक बड़ा प्यारा भजन है, आप मानो चाहे नहीं मानो, आपकी फीलिंग है, लेकिन ये फीलिंग भाई लोग की है। दादी इतना बेटियों की फीलिंग सुनाओ, बेटियों की फीलिंग सुनाओ कि पहले भाई लोग की फीलिंग सुनाओ? पहले भाई लोग, लेडीज पावर ज्यादा है भाई, मेंस पावर बाद में। ये भजन एक साल नहीं, दो साल, एक साल डेढ़ साल झुंझुनू मंदिर में लिखा, उसके बाद आप लोगों ने पूरे जहां जहां दादी भक्तों ने इतना प्यार दिया, जिसकी मैंने शब्दों में कभी जिंदगी में कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। लिखने के वक्त नहीं लगा था, लिख दिया चलो एक भजन है दादी का, लेकिन बहुत प्यार मिला। ये भाव ये है कि हम लोग 14-15 साल हो गए दादी के मंदिर भादी माह से पहले भजन गाते हैं वहां के मंडप में, और हम वहां पर दादी की बेटियों को देखते हैं हमेशा आते हुए, और जब आते हुए देखते हैं तो उनकी क्या फीलिंग्स होती है, वो वहां क्या क्या करती हैं, उनको देखकर मेरे मन में कुछ भाव आए, वो ही भजन का रूप दिया कि जब बेटियां दादी के मंदिर पहुंचती हैं तो वो क्या सोचती हैं। सिम इसके झूझड़ुआ तो लग आया मैं तो भी इतनो लाड करे जठे जठे में पाव धरम अपनो हाथ धरे दादी इतनो लाड करे। ये प्यार कितनी बेटियों को मिलता है? देखिए पीर और ससुराल में फर्क होता है, इस भजन में बताऊंगा मैं आपको, है ना? पूरे हाथ खड़े करना और तालियों से बजाना प्रसाद से क्या जब बेटियां पीर आवे
तुम्हारा जैसा भाई आपकी बहना के लिए नहीं करा। बेटे देर से उठिए मत, एकदम देर से उठिए, जो नहीं 8 बजे 7 बजे उठ जाओ, बेटा तो 6 बजे उठिए, आराम से उठिए। और तना के का नाश तो कर लो, हमें भी बता दी आज ये प्यार ममता वो फील करती है वहां पे तीर पहुंच के। वो कहती है दादी यहाँ ससुराल में तो सुबह उठो, बच्चों को तैयार करो, स्कूल भेजो, ये करो वो करो, नाश्ता बनाओ, फिर खाने में लग जाओ, फिर शाम के खाने में लग जाओ, पर एनी टाइम लगे ही रहते हैं। तुम्हारे लिए सुबह 10 मिनट निकालते हैं और जब यहाँ आते हैं तो क्या होता है? वो कहती है निस दिन की और शाम कैसी होती है, रात कैसे होती है? मंगला आरती पे दिन उगे, मंगला पे दिन उगे, शयन आरती पर दिन डूबे, शयन आरती पर दिन। 15 दिन पहले कई लोग पहुंचते, कितने दिन पहले? 15 दिन पहले। लेकिन उनसे पूछोगे अरे मावा स्वास्थ्य काल तो जानो देरो को नहीं चले जीते बेटा बेटा देरो को नहीं चले जीते बेटा बेटा फिर दोबारा आवर का दिन थक जावा तो दादी का मन भरा था, इतनी रौनक रहती है मावस तक और मावस के बाद तक खाली। तो दादी मां से बेटियों से क्या कहती है? मावस के दिन धोख लगा कर, मावस बोला दादी घड़ी बिदाई की जजा झरझर बरसे, घड़ी बिदाई की जजा। और दादी बेटियों के सिर पे हाथ फिराती हुई कहती है कब विकास की दादी बोले आती रही जेती, कब विकास की दादी बोले आती रही जेती बिदाई। भजन बस इतना ही करूंगा भाई, जिन्हें जिन्हें दादी का प्यार मिलता है वही हाथ खड़े करते हैं। और इस पंक्तियों को मेरे साथ बिल्कुल तालियों के साथ गाना कि थारो मारो मारी कोई बोल पुरानो अपनों
बोलिए रानी सभी जाति की। नृत्य नाटिका शुरू होने से पहले कितनी जगह लगाने का मन है? एक भजन और सुनने का, देखिए थोड़ा सा मैं टेम्परामेंट बढ़ा दूंगा तो आप लोग खड़े होकर नाचने लगेंगे, इसलिए मैं इसको टेम्परामेंट नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि बाद में होली भी तो खेलना है ना। इधर भैया लोग देख रहे हैं कब खत्म करो और शुरू करो। अच्छा भाई लोग की भाई मंदिर आप लोग घुसते हो तो कैसा फील करते हो? सच्ची सच बताओ कैसा फील होता है घुसते? मेरो जी राजी हो जावे हर मंदिरिये में आकर, मेरो जी हर मंदिरिये में दादी इतनो प्यार लुटावे, हारे सिर पे हाथ फिरावे, दादी की तरफ से पूरे हाथ खड़े करें, जिन्हें पूरे हाथ एकदम सीधे हाथ और ताली जैसे मैं बजाऊं वैसे पूरे एकदम। इस लाइन में अगर सच्चाई लगे तो बोलने की दरकार नहीं, ईमानदारी से आप खड़े करते हैं समर्थन मांगे स्टाम्प पे वोट देने के लिए बोल रहा हूं। या छाती चौड़ी हो जावे गर्व से फूलता है कि नहीं आपका सीना मंदिर को देखते हैं? क्या भव्य मंदिर है राजस्थान में, इतना भव्य मंदिर, देवी देवता बहुत है, भव्य भव्य मंदिर भी है, जो झुलझू एक अलग दिखाई देता है, तारा माई चांद से वही मारो झुलझू है ना। किने किने गर्व होता है, हाथ खड़े करना और क्या बोलोगे? छाती चौड़ी हो को बुलाया नहीं करेंगे तो फिर समय आगे भी आप लोग को भी कई लोग बार बार जाए, पूरा प्रोग्राम बना रखा है, इतने बजे निकल लो भाई, थोड़ी लेट होती तो आता तो खाली हो जाएगा। पुलिस सच्चे दरबार की, चलिए 11 बार जय बोलकर नृत्य नाटिका शुरू करते हैं, छोटी सी, उसके बाद फूलों की होली खेलेंगे आपके साथ, फिर जितना नाचना हो नाचिएगा, उठाओ हाथ 11 बार दादी की जयकार, तालियों को जाके देखिए पड़ोस में किसी का हाथ नीचे हो तो थोड़ा हेल्प कीजिएगा, पूरे हाथ खड़े करके बोलानी सच्ची दादी की। ऐसा है बोलते देखिए फूला को फूलों की होली थोड़ी कराऊंगा, पहली फिर तो नृत्य नाटिका करेंगे ना कि पहली फूलों की होली, हाँ तो फिर 10-5 मिनट की, मेरे को बोला गया फूलों के लिए 5 मिनट बाकी है भैया, मतलब 1 घंटा बाकी है। बोले सच्चे दरबार की ये कहानी है कैसे लड़के की जिसे बचपन से ही दादी की भक्ति और भाव कूट कूट के भरा है। दादी की भक्ति में इतना लीन है कि ना ढंग से पढ़ाई की, ना ढंग से कहीं पर काम करने की कोशिश की, दिन भर कभी इधर कभी उधर सिर्फ दादी के भजनों में खोया रहता, दादी के मंडलों के साथ कीर्तन में लगा रहता। उनके घर वालों को इससे परेशानी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन परेशानी इस बात से थी कि ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, क्योंकि घर के प्रति भी हर इंसान की एक जिम्मेदारी होती है, सब कुछ करते हुए उस जिम्मेदारी को भी निर्वाह करना चाहिए। तो आइए इस भक्त की कहानी को आपके सामने रखते हैं कि इसके जीवन में क्या क्या होता है वही हम आपको दिखाएंगे।
आइए सबसे पहले उस भक्त रवि से आपको मिलवाते हैं जो सुबह उसकी सुबह सुबह कैसे होती है वो आपको दिखा रहे हैं, कैसे वो सुबह करता है। देखिए इस बिल्कुल नेत्र नाटिका में मैंने भजन ऐसे लिए हैं जो आप सभी को आते हैं, ताकि आप जितने भक्त बैठे जब वो भजन आप सुने तो आप भी तालियां बजाकर उसका साथ दें, है ना। आइए इस भजन की शुरुआत हम करते हैं उसके दिन से। अच्छा भाभी थोड़ी चूरा होगा के थोड़ा सा जाओ, क्यों बिलगी है छो में। मैं सोच रहा हूँ मैं खटे बैठू भी चक्कर में मैं जगह खोज रहा हूँ, और यहाँ भी स्टेज उड़े है कि मन तो लगा आता टीवी लग रहा कैसे लोग देख सकोगा। आइए उस भगत रवि की सुबह कैसे होती है उसी से हम शुरू करते हैं। जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन में छाया राज है, सोहे सो मलिनी को तेरे रत्नों सिर पे ताज है। जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन में छाया सिर पे ताज है। जगदम्बे भवानी मैया जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर तब तब आए सहाय करे, तब तब भीड़ पड़ी भक्तन पर तब तब आए सहाय करे। कदम उदारण तारण मैया युग युग काज है, नाम तेरो गरीब निवाज है, सोहे दिल से पसु मलनी को तेरे रत्नों कसिर पे ताज है। जरा सामने तो आओ मैया छुप छुप चले क्या राज है, छुप ना सकोगी मेरी मैया मेरी आत्मा की ये आवाज है। मैं तुमको बुलाओ तुम नहीं आओ ऐसा कभी ना हो सकता, बालक अपनी मैया से बिछुड़े सुख से कभी ना सो सकता। मैया बड़ी मझधार है अब तू ही तो मेरी आत्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है, मेरी आत्मा की ये आवाज।
उम्मत की ये आवाज है। इस तरह रवि की रोज सुबह होती और दादी मडिलियों के साथ घूमते फिरते रात हो जाती। ये दिनचर्या थी रवि की। इससे घर में कलेश का संचार होना शुरू हो रहा था। माता पिता ने सोचा क्यों ना रवि का विवाह कर दिया जाए। इससे हो सकता है उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगे। एक दिन रवि के पिता ने भाई उसकी भाभी के साथ रवि की शादी को लेकर चर्चा सूरज बहू को बुला लो। सुमित्रा पिताजी बुला रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ हाँ बोलिए पिताजी, क्या बात है? बहू मैं सोच रहा था क्यों ना रवि का विवाह कर दें। पिताजी शादी वो भी रवि की, कौन देगा उसको लड़की? काम काज कुछ करता नहीं, सिर्फ दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। अपने समाज के सभी लोगों को ये पता है। सुमित्रा तुम ज्यादा मत बोलो, शादी जो 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 हो रही है उसके भाग्य में होगी तो मिल जाएगी। ठीक है कर लीजिए कोशिश, देखते हैं। बहू एक बार रवि की शादी हो गई वो अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगा, तुम चिंता मत करो। चलो रवि की मां चलते हैं। माता पिता के जाने के बाद रवि की भाभी अपने पति से कहती है, अभी तो बस उसे बैठा के खिला रहे हो, जब वो आएगी तो उसको भी खिलाना, फिर उसके बच्चों को भी खिलाना। आपका भाई सुधरने वाला नहीं है। अरे भगवान सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो। इस तरह कलह के बीच रवि के लिए लड़की देखना शुरू होता है और दादी की कृपा से विवाह भी जल्द हो जाता है। जिस समस्या के समाधान के लिए रवि की शादी माता पिता ने करवाई थी वो और बढ़ गया, कलेश और बढ़ गया। एक दिन रवि बाहर से आता है और अपनी भाभी से कहता है, भाभी भाभी ओ भाभी बहुत भूख लगी है भाभी, जल्दी से खाना लगा दो भाभी। लो आ गया भक्कड़, मुफ्त की रोटी तोड़ दे। क्या भाभी तुम भी रोज एक ही मजाक करती हो, कुछ नया भी तो बोला करो। रवि हमेशा की तरह भाभी की बातों को मजाक में उड़ा देता है और उसकी पत्नी को ये बात बहुत खलती है और वो रवि से कहती है, सुनिए जी आप रोज रोज भाभी की जली कटी सुनते हैं, आपको तकलीफ नहीं होती? तकलीफ? तकलीफ कैसे है, उनकी तो आदत है। आप किस मिट्टी के बने हैं, आपको बुरा नहीं लगता? पर मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई भी आपके बारे में बुरा भला कहता है। भगवान अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी मानो तो आप कोई नौकरी कर लो। नौकरी? मुझे कौन देगा नौकरी? अरे आप कोशिश तो कीजिए, दादी की कृपा से आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। आप इतनी जगह दादी के जाते हैं, कितने लोगों से परिचय है, मुझे पूरा विश्वास है कहीं ना कहीं आपको नौकरी अवश्य मिल जाएगी। भगवान ठीक है तुम कहती हो तो मैं कल कुछ लोगों से बात करता हूँ और देखता हूँ। रवि ने कई लोगों से बात की पर सभी ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया और काम नहीं बना। इस तरह कई महीने निकल गए, घर में झगड़े और बढ़ने लगे। अब रवि भी परेशान रहने लगा। एक दिन रवि थका हारा बाहर से जब घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा उससे, क्या जी आज कुछ काम बना?
नहीं भगवान, कुछ नहीं बना। ये क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है। सुनिए, दो चार दिन में अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो मैं घर छोड़कर चले जाऊंगी मायके। मुझसे ये रोज रोज के तारे नहीं सुने जाते। ऐसा मत करो। रवि दुखी होकर दादी से कहता है, माँ मेरा हाथ पकड़ ले रे मैया, मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे मैया, मन मेरा घबराए। अगर मेरे बस में होता तो मैया, अगर मेरे बस में होता तो मैया, किनारे लगाता मैं खुद अपनी नैया, किनारे लगाता मैं खुद अपनी नैया। जहाँ जहाँ रखूँ जैसे जैसे रखूँ, अगर आना हो तो आ जाओ मैया, अगर आना हो तो आ जाओ मैया, दिल का दे बन के मैया, अगर तुम्हें मेरा प्यार नहीं करना है तो एक विनती है तुमसे, एक छोटी सी विनती है दादी। नहीं आना हो तो खबर भेज देना, नहीं आना हो तो खबर भेज देना, हालत उठा के नजर देख लेना, हालत उठा के नजर देख लेना। कहीं ऐसा ना हो तेरे भरोसे, पकड़ रे दादी मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ रे दादी मन मेरा घबराए। काल काल बादल हमके ये बादल, सजते मेरे मंडरा, ये
माधवी की करुण पुकार। शायद दादी ने सुन ली। एक दिन रवि के जीवन में एक घटना घटित हुई। एक हीरे जवाहरात का व्यापारी अपने दुकान के काम से बाहर जा रहा था। उसके पास लाखों के गहने थे। तभी उस पर कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं। उसी वक्त रवि वहां से गुजरता है और सेठ जी को बचाने की कोशिश करता है। ये क्या हो रहा है भाई? अरे छोड़ो ना, अरे छोड़ो इस भले मानुष को, छोड़ो। चुप करो, इसके निकले डर, चुपचाप चले जाओ, वरना जीवित नहीं बचोगे। भाई हम भी दादी भक्त हैं, न अन्याय करते हैं ना ही अन्याय सहते हैं, और किसी पे अन्याय होता देख चुप भी नहीं रहते हैं। अब जो होगा दादी भरोसे। जय दादी की। रवि अपनी जान पर खेलकर उस सेठ को बचाता है। तब सेठ जी कहते हैं रवि से, हे भले मायूस, आज तुमने मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया। किसी ने मुझसे ये गहने बनवाए थे जो आज मैं देने जा रहा था। आज अगर ये लुटेरे कामयाब हो जाते तो मैं बर्बाद हो जाता। सेठ जी, दादी सबकी सहायता करती है। देखिए उन्होंने मुझे भेज दिया, अब आप आराम से जाइए। ये कुछ रुपए तुम रख लो, तुमने मेरी मदद की। ये क्या कर रहे हैं आप? रुपए? मैंने रुपए के लिए आपकी मदद नहीं की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो तुम ही बताओ तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुकाऊं? सेठ जी, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो मुझे एक नौकरी दे दीजिए। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, पर आप जैसा भी काम देंगे मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। ये लो, आज से ही तुम गहने पहुंचाने का काम संभालो मेरा। गहने पहुंचाने का? ये तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है सेठ जी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अब तुम ही इस पते पर ये गहने पहुंचा कर आओ। रवि सेठ जी से सारी बातें समझ बताए गए पते पर गहने दे आया, और अगले ही दिन से सेठ के यहां काम पर आने लगा। कुछ महीनों में ही रवि सेठ के घर के सदस्य जैसा हो गया। रवि की घर की कलह भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। रवि बड़ी निष्ठा और लगन के साथ नौकरी कर रहा था, पर महीने में 10 से 12 बार दादी के कीर्तन के बहाने छुट्टी ले लिया करता था। सेठ जी भी इस बात को नजरअंदाज कर देते थे, परंतु ये बात सेठ के यहाँ काम करने वाले मुनीम को बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन रवि सेठ जी के पास आया और कहने लगा, सेठ जी आज मुझे थोड़ी जल्दी छुट्टी चाहिए, आज दादी के मंदिर में कीर्तन है। अच्छा बेटा, सारा काम निपटा लो, चले जाओ। ठीक है। तब मुनीम उठकर सेठ से कहता है, अरे सेठ जी ये क्या कर रहे हैं आप? आपने इस रवि को सर पे चढ़ा लिया है, दिन बे दिन उसकी ये छुट्टियां बढ़ती जा रही हैं। आप अपने काम से मतलब रखिए मुनीम जी,
किससे क्या काम लेना है मुझे अच्छी तरह पता है। मुनीम सोचता है कि सेठ जी तो मानेंगे नहीं, लेकिन मैं इस रवि को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सेठ की नजरों से नीचे गिराऊंगा। एक दिन की बात है, सेठ सेठ जी रवि को अपने पास बुलाते हैं। रवि, ओ रवि, एक बार इधर आना भाई। रवि सुनो, तुम्हें फतेहपुर जाना है गहना का बक्सा लेकर। जोखिम थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मुनीम जी को साथ ले जाना। ठीक है सेठ जी। सेठ जी के जाने के बाद रवि मुनीम जी से कहता है, ताऊ, ओ ताऊ। सेठ जी ने क्या कहा सुना? हाँ सुना। तो तैयारी करो फतेहपुर जाने की। हाँ तो कब निकलना है? कल ही निकल पड़ते हैं, 2 दिन बाद भादो का मेला है। दादी की मावस की धूप लगाकर हम फतेहपुर देते हुए गहने आ जाएंगे। सेठ जी से पूछ लो, कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे दोष मत देना। हाँ 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 हाँ, मैं समझ लूंगा। आप बस तैयारी करो, ताई को भी ले लेना, मावस की धूप वो भी भादों में लगा लेगी। हर किसी को नसीब नहीं होती। उस रात रवि बड़ा खुश खुश होकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने इतने प्रफुल्लित अपने पति को देखकर पूछा, क्या हुआ जी, आज बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, कोई बहुत खुशी की बात है क्या? मुझे भी बताओ, मुझे भी बताओ। रवि कहता है,
नहीं पता कब से मैंने इस दिन की आस लगाई थी। मारो भागे मारो भागे मारो भाग भागे सवर क्यों जी मर सोया भाग सवर क्या जी मरी प्रसन्न होकर सो जाता है, सुबह भी जल्दी उठ जाता है और सुबह सुबह ही दुकान पहुंच जाता है। और जैसे ही सुबह सुबह उस मुनीम की नजर पड़ती है कि आज तो भाई साहब जल्दी आ गए, तो वो मुनीम रवि से पूछता है, अरे रवि आज बहुत जल्दी आ गया भाई, ऐसी क्या बात है? क्या ताऊ, जब देखो ताने मारने लगते हो, पहले भाभी मारती थी अब आप मारते हो। देखो रवि, कल जो तुमने कहा उसके बारे में सेठ जी को बता दो, कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे दोष ना देना। ताऊ, उन्हें बताया तो गड़बड़ हो जाएगी, दो दिन की बात है, फिर गहने पहुंचा देंगे, अगर पहले वहां गए तो मामस निकल जाएगी। ताऊ समझो मेरी भावनाओं को, मुझे नहीं पता, मैं तेरे चक्कर में नहीं पड़ने वाला। अरे ताऊ, अरे ताऊ सुनो ना, ताऊ प्लीज ताऊ सुनो, ताऊ 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 ताऊ, अरे ताऊ, अरे दादी जी के मंदिर माथा टेकन जाना से, दादी जी के मंदिर माथा टेकन जाना, ताऊ 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 माथा मंदिर जाना से, ताऊ माथा मंदिर जाना से, खीर चूरमा लड्डू कर फिर भोग लगाना से,
किसी को चलना हो तो जरा उठाओ हाथ और रिक्वेस्ट करना, बताओ पागल आप चलो तो मेरे साथ, आप वहाँ की रौनक देखकर सब भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। बस एक काम करो, ताई से बोलना खाना वो लेकर आए, बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती है, बस इतना कर दो ताऊ, इतना कर दो। बहरहाल मुनीम जी मान गए और पूरी तैयारी के साथ उसी रात निकल पड़े। और झुंझुनू से 10-12 किलोमीटर पहले उन्हें कुछ नजर आया कि कुछ दादी भक्त दादी की ध्वजा लेकर जा रहे हैं। भाई ध्वजा कैसे लहराते हैं जरा एक बार लहरा के दिखाओ, पूरे हाथ खड़े करना और एक साथ बोलना, उठारी ले ध्वजा मैया मैं झूझूंगा, भक्तों की टोली ध्वजा लेकर पैदल जा रही है तो रवि ने ताऊ से कहा, ताऊ ताऊ मैं तो इनके साथ ही जाऊंगा, मंदिर अब तो पैदल ही पहुंचूंगा, अगर आपको चलना हो तो आप भी आ जाओ मेरे साथ। ना भाई ना, मैं तो अपनी ऊंट गाड़ी में ही जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ताई ये बक्सा, ये बक्सा जरा अपने पास रखो, मैं झुंझुनू पहुंचकर आपसे ले लूंगा। इस तरह ताऊ ताई निकल गए ऊंटगाड़ी में और रवि शामिल हो गया दादी की टोली में। जरा तालियां बजा के साथ जगा कर
हेलो 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 भाती मावस मेरे माही चर्चा में चित लावावा मेवा मिश्री गिरी चुहारा हरे भेग चढ़ावावा भाती मावस मेरे माही चर्चा में चित लावावा मेवा मिश्री गिरी चुहारा हरे भेग चढ़ावावा झुझड़ू धाम की रानी सती दादी की मोटी सेठानी की। इस तरह नाचते गाते रवि और उसकी पत्नी दादी भक्तों के साथ झुझड़ू पहुंचे। झुझड़ू पहुंचने के बाद दादी की पूजा अर्चना करने के बाद रवि ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे भगवान वो गहनों का बक्सा ठीक से रखा है ना? अजी वो तो आपने ताई के पास रखवाया था। अरे हाँ हाँ हाँ, लेकर आ जाओ। रवि की पत्नी ताऊ और ताई के साथ आती है। अरे रवि, ये बहू कौन से गहने की बात कर रही है? कौन से गहनों का बक्सा? ताऊ, जो हमें फतेहपुर देना था वो तूने हमें कब दिया? तुम्हें नहीं, ताई को दिया। ताई, आपको दिया था ना, जहां से हम पैदल चलने शुरू किए थे। हे राम, मुझे कब दिया? मुझे याद नहीं, मेरी याददाश्त तो कमजोर है। ताई, क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने तो पहले ही कहा था, कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? अब कहाँ मिलेगा वो बक्सा? ताऊ, वो ऊंट गाड़ी वाला कहाँ है? उसमें छूट सकता है? वो तो कब का निकल लिया, अब रो बैठ कर। हे दादी, ये क्या हो गया? मुझसे कौन सी भूल हो गई? मुझे माफ कर दो दादी, मुझे माफ कर दो। कि थारे भरोसे मझधरा में भटक गई है, ओ मझधरा में भटक गई है। दादी थारो है,
रवि मंदिर से बाहर फूट 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 रोने रोने तभी जगत जननी माँ रानी रानी दादी बूढ़ी माई माई रवि के पास आती है। क्या हुआ क्यों रो रहे हो मुझे बताओ क्या कष्ट है कुछ नहीं आप रहने दीजिए माई कुछ नहीं है अरे बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ मुझे बताओ तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा माई क्या बोलूं बड़ी विपदा आनी पड़ी है मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने में बहुत बड़ी गलती कर दी मैं माँ के दर्शन की अभिलाषा में सब कुछ भूल गया और अपने सेठ जी का भारी नुकसान करा बैठा माई एक गहनों से भरा बक्सा जो मेरी जिम्मेदारी थी उसे मैंने खोद चिंता मत करो बेटा चिंता मत करो चिंता की तो बात है भाई परसों मुझे फतेहपुर में उसे पहुंचाना है अब मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा ये बात तो निश्चित है कि प्राण त्याग दूंगा पर सेठ जी के सामने नहीं जाऊंगा सेठ जी के सामने नहीं सुनो बेटा जिस दरबार के बाहर तुम खड़े हो वहां कोई भी दुखी नहीं गया और तुम तो दादी के लाडले हो तुम्हें कैसे दुखी जाने देगी बेटी है ना तुम्हारी दादी वो सब समझती है वो सब देखती है बस दादी का ही तो आसरा है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं तुम कल सुबह मंगला आरती के बाद इसी जगह पर मुझे मिलना अपनी पत्नी और मुनीम को भी साथ ले आना अच्छा मैं जैसी दादी की इच्छा जो होगा रवि बूढ़ी माई की बात मानकर वहां से चला जाता है और सुबह सुबह मंगला आरती के वक्त उसी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां बूढ़ी माई ने उसे आने के लिए कहा था अब सुबह सुबह मुनीम की नींद खराब होने से मुनीम बड़ा भड़का हुआ था उसने रवि से कहा अरे रवि कहां है वो बूढ़ी सुबह सुबह नींद खराब कर दी एक बुढ़िया की बात पर थोड़ी अकल लगानी चाहिए ना किसी की भी बात सुनकर नहीं भी किसी को उठा के ले आते हो काऊ उन्होंने मुझे इसी जगह पर बुलाया था उनकी बात में एक विश्वास और एक सच्चाई थी तुम रुको यहीं पर मैं अंदर देख के आता हूं रवि अपनी पत्नी के साथ जब मंदिर अंदर खोजने के लिए जाता है तब मुनीम जी अपने पत्नी से कहते हैं क्यों भगवान अच्छे से छुपाया है ना बक्सा चिंता मत करो जी उन्हें सात जन्म में भी नहीं मिलेगा ऐसा छुपाया है अरे तुम तो खोज लोगी ना बाद में बोला हाँ हाँ मैं खोज लूंगी उधर मंदिर में दादी रवि से अरदास कर रहे हैं दादी से पीड़ पड़ा थाने आया
सरसी लो दुख लो तो मिटाया सरसी पीड़ पड़िया थाने आया सरसी लो दुख लो तो मिटाया सरसी लाखों की बिगड़ी पाल बनाई मेरे लिए तू दे बिगड़ी पाल बनाया सरसी जो दुखड़ो मिटाया सरसी जावे अब तो अरे राम बाबू आप अरे हम तो फतेहपुर आने ही वाले थे आपके पास परसों क्यों भाई क्यों आने वाले थे वो आपके गहनों का बक्सा देना था परंतु क्या बताऊं राम बाबू मुझसे वो खो गया मैं सेठ जी को मुंह दिखाने लायक नहीं मैं बड़ा दोषी हूं उनका क्या बोल रहे हो मजाक मत करो मैं मजाक नहीं कर रहा राम बाबू मजाक नहीं तो और क्या है वो बक्सा तो कल रात ही तुम मुझे दे चुके हो और मेरे साथ ही यहां आए हो ये क्या कह रहे हैं फिर से बोलिए आप सच कह रहे हैं बोलिए फिर से बोलिए आप सच कह रहे हैं हां भाई हां तुम्हें क्या हुआ राम बाबू चमत्कार हुआ है दादी ने पर्चा दिया है राम बाबू दादी ने पर्चा दिया है बोलो रानी सती दादी की सुंदरी की महारानी की जग चंडी मात की अरे रवि कुछ बताओ तो क्या हुआ रुकिए राम बाबू बताता हूँ भगवान तुम ताई को बुला के लाओ जल्दी से ताई ताऊ को बुला के लाओ ताई मैं बताता हूँ अभी आने दीजिए उनको थोड़े ही पल के बाद ताई और रवि की बीवी दौड़ी दौड़ी आती है ताई कहती अरे रवि अर्थ हो गया अनर्थ हो गया तुम्हारे ताऊ को मोटर ने टक्कर मार दी और बहुत चोर उन्हें चोट आई है लोग कहते हैं बचना मुश्किल है कई अस्पताल लेकर गया है ये क्या हुआ ताई ये क्या हो गया ताई ऐसे कैसे हुआ क्या बताऊं रवि वो मोटर कहां से आई कैसे आई पता नहीं चला रवि मेरे सुहाग को बचा लो दादी ने हमें सजा दी है रवि सजा दी है सजा ये क्या कह रहे हो ताई सजा किस बात की सजा तुम्हें नहीं पता हमने कितना बड़ा पाप किया है तुमने जो गहनों का बक्सा दिया था वो हमने जान पूछ कर छुपा दिया तुम्हें सेठ जी की नजरों से गिराने के लिए मुझे माफ कर दो रवि मुझे माफ कर दो रवि मुझे माफ कर दो नहीं नहीं ताई दादी के रहते ताऊ को कुछ नहीं होगा बक्सा तो राम बाबू को मिल चुका है दादी ने बहुत बड़ा पर्चा दिया है माई बहुत बड़ा पर्चा दिया है रवि दादी तुम्हारी अर्ज सुनती है तुम्हारे ताऊ को फिर से ठीक कर दो उनके प्राण बचा लो उनकी प्राण बचा लो रवि दादी से अर्ज करता है और दादी से कहता है दादी तेरे दरबार में ये अनर्थ नहीं हो सकता अगर ताऊ को कुछ हुआ
तो मैं भी सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगा। दादी तुम्हें मेरे लिए आना होगा, इस बेटे की बात रखनी होगी। मुझे पता है वो बूढ़ी माई तुम्हें थी, वो बूढ़ी माई तुम्हें थी, तुमने मुझे दर्शन दिया, मेरे सामने आई और मैं पागल तुम्हें देखकर समझ भी नहीं पाया कि तुम ही जगत जननी मात हो। माँ पर माँ ऐसे भेष बदल के आओगी कैसे पता चलेगा, तुम्हें आकर मुझे दर्श देना होगा माँ, पर मेरे ताऊ के प्राण दे वापस कर दे, उन्हें फिर से ठीक करना होगा, वरना मैं यही सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगा। दादी सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगा, सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगा भाई, सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगा। प्रगति माँ नारायणी हुआ है चमत्कार, दर्श दिया भक्तों को कर दिया है उद्धार, सा सा माँ जगत जननी प्रकट होकर रव रवि को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुमने जिस भाव से मेरी भक्ति की है उससे मैं अति प्रसन्न हूं। जाओ तुम्हारे ताऊ तुम जैसे छोड़कर गए थे तुम्हें वैसे ही मिलेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। बड़ा सती दादी की आशीर्वाद दिया, दादी फिर से अंतर ध्यान हो गई। रवि अस्पताल की ओर जाने के लिए उठे और जाकर अस्पताल में क्या देखते हैं कि ताऊ तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वहां छोड़कर गए थे। ताऊ को उन्होंने लेकर आए और साथ में ताऊ के खुशी खुशी दादी की जयकार लगाई और दादी के चरणों में दादी से कहा, बोलिए नानी सती दादी की जयकारा घूमता रहे जब तक पूरे हाथ खड़े करके, बोलिए मोती से सारी की, बोले नानी सती दादी की। दादी के मंदिर पहुंचकर दादी के दर्शन पाकर खुश होकर उन्होंने कहा, नाचो गाओ खुशी मनाओ मुझे सब दादी आई है, नाचो गाओ खुशी मनाओ मुझे सब दादी आई है, दादी आई है सिंह पर चढ़ कर आई है, आई है दादी आई है सिंह पर चढ़ कर आई है, नाचो मनाओ नाचो गाओ खुशी मनाओ।
आज आपके बीच दादी जी झुंझुनू से विराजमान हुई है, यहाँ कितनों को प्रसन्नता हो रही है। देखिए हमने इस संताटिका को छोटा कर दिया, पूरे हाथ खड़े करो, समय के अभाव चलते पूरे हाथ एकदम सीधे, जिन्हें खुशी हुई थोड़ा आशीर्वाद हमारे कलाकारों को भी दीजिएगा, पूरे हाथ खड़े रहे तालियों के साथ बोलना, नाचो गाओ खुशी बनाओ तुम्हारे सपना दादी आई है, नाचो बोलिए सच्चे दरबार की। इससे पहले कि हम फूलों की होली शुरू करें और आप लोग शुरू करें धमाल मचाना, एक बार कितनी बार जय बोलना पसंद करोगे? वाह क्या बात है, आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी, कल से बजा रहे हो बार 21 बार, चलो कोई बात नहीं भैया, लखनऊ वालों की बात अलग है। उठाओ पूरे हाथ 21 बार मेरी उंगली पे ध्यान देना और तालियां बजा के बोलना, बोले रानी सती दादी की। बोल सच्चे दरबार की, दो पांच बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। बोले सच्चे दरबार की जय। बोल रानी सती दादी की जय। अच्छा देखिए, हमेशा क्या होता था कि मैंने हमेशा देखा ये डेयरी ऑन शॉप की खासियत है, मैंने देखी यहाँ पर कि आप लोग पीछे तक पूरे उसी स्थिति में बैठे हो एकदम डट के, नहीं तो पीछे से लोग धीरे धीरे खाली हो जाते हैं। इसलिए आज हमने एक कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया है, सिर्फ पवन जी की फैमिली ही दादी पे आके यहाँ फूल चढ़ाएगी, क्योंकि अगर आप सारे खड़े हो गए और आपने यहाँ अगर फूल चढ़ाना शुरू किया तो व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब फूल चढ़ जाएंगे उसके बाद जहाँ इच्छा वहाँ खड़े होकर नाचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक फूलों की वर्षा होती है तब तक आप कृपा करके अपने भाव तालियों के साथ बैठ कर झूम कर, कैसे झूमोगे वैसे एक साथ झूम के ताली बजा के करना, ठीक है पवन जी का परिवार, उसके बाद हम जम के खेलेंगे होली। आइए दादी किसी चरणों में, एक तो माइक खोले देते पारो तब आइए। मैं विनती करूंगा पवन भैया के परिवार से कि वो सारे आए और दादी के साथ होली खेलें। हेलो 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 दादी जी के साथ ये फूलों की होली हो रही है, समय का अभाव है इसलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10-15 मिनट में दादी जी के साथ फूलों की होली, उसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम और भी हैं, तो कोशिश करेंगे कि समय पर सारा कार्यक्रम हो जाए। बिल्कुल सच्ची बोल दी, सच्ची बात बोल दी भाई, बहुत सही बात, एकदम सही। बोलिए रानी सती दादी की मौका मिला है हमको दादी भाव से, मौका मिला है हमको होली खेलने के
जूही चंपा गुलाब से होली खेले जूही पवन भैया तो फूल चढ़ा चढ़ा खेल रहे हैं। आप लोग कौन कौन सपने धो रहे हैं, हाथ खड़े करो खड़े और जरा तालियों के साथ बोलना क्या क्या मौका मिला है आप लोग पीछे हो जाइए। अरे ठीक है जाने दो। एक तो रंग बसंती उस पे मौसम ये मस्ताना मौसम ये मस्ताना कैसे छोड़े हम ये मौका रोज रोज नहीं आना रोज रोज नहीं आया कैसे मौका हम अपने हाथ से कैसे हम अपने होली खेलेंगे। अरे रंग से तो रोज ही खेल रहे हैं, इससे खेल रहे हो आप लोग। अच्छा एक बार कम से कम जब तक फूल चल रहे हैं बिना बोले भी तो हाथ हाथ सकते हो, जब ये लाई लाई तो हाथ ऊपर होने चाहिए। अच्छे होली खेलेंगे चूड़ी चंपा गुलाब से होली खेलेंगे चूड़ी जिनके हाथ नीचे समझ लो भैया आज आपने होली कमीर कंप्लीट छोड़ दी, भजन तो थोड़ी देर में हो ही जाएगा। पूरे हाथ खड़े करो सीधे और पूरी ताकत के साथ होली खेलेंगे चूड़ी चंपा गुलाब से होली खेलेंगे चूड़ी